नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ईशांक एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 24, 25 एवं 26 अगस्त को जो बिहार BPSC शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा का जो आयोजन किया गया था, अब इसके बाद अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कही जा रही है BPSC के द्वारा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई वहाँ पे कराने होंगे, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सबसे पहला प्रमाण पत्र की बात यहाँ पर की गई है, ये है मैट्रिक का प्रमाण पत्र या अंक प्रमाण पत्र, जिसमें आप मैट्रिक का प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं या अंक प्रमाण पत्र दे सकते हैं, जो कि आपके जन्मतिथि के साक्ष्य के लिए वहाँ पर आपको ओरिजिनल प्रति जमा करना होगा, दिखाना होगा। अगली हम बात करें तो दिया गया है कि विज्ञापन की कंडिका 4 शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता या दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। अब हम यहाँ पर इसमें बारी बारी से हर विषय पर चर्चा करेंगे कि यहाँ पर शैक्षणिक के अंतर्गत आपको मैट्रिक के अंक पत्र मूल प्रमाण पत्र, इंटर के अंक पत्र मूल प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन के अंक पत्र मूल प्रमाण पत्र, इसके अलावा आप PG किए हुए हैं, स्नातकोत्तर किए हुए हैं तो उसके अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र आपको वहाँ पर ओरिजिनल प्रति वहाँ पे आपको ले जानी होगी जमा कराने के लिए या वेरिफिकेशन करवाने के लिए। इसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रशैक्षणिक योग्यता, जैसे कि अगर आप DLED किए हुए हैं या BED किए हुए हैं तो जो हाई स्कूल है या प्लस टू है इसमें लिए आपको BED अनिवार्य है, तो फिर जो BED किए हुए हैं उसके मार्कशीट या मूल प्रमाण पत्र वहाँ पे आपको ओरिजिनल कॉपी जमा करानी होगी। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षक पात्रता, यानी कि आप BTET किए हुए हैं या CTET किए हुए हैं या STET किए हुए हैं, इस तरह के सभी जो पात्रता परीक्षा है या दक्षता परीक्षा, जो कि पहले से शिक्षक रह चुके हैं वो अगर दक्षता किए हुए हैं तो उसके अनुरूप आपको वहाँ पर ओरिजिनल कॉपी वहाँ पर आपको दिखानी होगी। आगे हम बात करें तो दिया गया है कि विज्ञापन की कंडिका 4 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र, यानी कि जितने भी आपको शैक्षणिक योग्यता है उनके अंक पत्र आपको वहाँ पे दिखानी होगी। हम आगे बात करें तो 4 नंबर कॉलम में दिया गया है कि बिहार राज्य के अस्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर हम ये इस बात को अब गौर करेंगे कि ये इसका मतलब क्या हुआ। आप तो यहाँ पर BPSC बिहार के जो बाहर हैं उनको उनसे भी फॉर्म लिए हुए हैं, तो फिर बिहार राज्य के अस्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र जो कि बिहार राज्य के अंतर्गत आते हैं, जो भी व्यक्ति बिहार राज्य के हैं तो उनका जो निवास प्रमाण पत्र बिहार का ही बना हुआ होना चाहिए वो प्रमाण पत्र आपको वहाँ पर ले जानी होगी। लेकिन एक बात और कि अगर आपने जो जाति आवासीय या क्रिमिलेयर हो, चाहे EWS हो, किसी भी प्रमाण पत्र जो आपने अपलोड किए हैं आपको वही प्रमाण पत्र आपको वहाँ पे ओरिजिनल प्रति ले जानी है। आगे हम बात करें तो आप दिया हुआ है कि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र आपको वहाँ पे ले जानी होगी, जो कि आपने फॉर्म ऑनलाइन करते समय अपलोड किए थे। जो एक बात और कि जो महिला कैंडिडेट है उनको अपने मायके से यानी अपने मम्मी पापा के एड्रेस से उनका जाति आवासीय और क्रिमिलेयर प्रमाण पत्र अनिवार्य है वहाँ का। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रिमिलेयर रहित घोषणा पत्र, अगर मान लीजिए कि अगर आप पिछड़ा वर्ग में आते हैं, अगर क्या कहते हैं क्रिमिलेयर प्रमाण पत्र आप बनाए हुए हैं और उनकी जो वैधता है जो एक साल पहले की बनाई गई है, तो आपको एक घोषणा प्रमाण पत्र आपको वहाँ पर जमा करानी होगी कि ये सभी प्रमाण पत्र सही है इसके लिए। आगे हम बात करें तो दिया गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। आप यहाँ पर बात करते हैं जो अनुसूचित यानी SC ST महिला है उनको भी जो निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र वो अपने मायके से यानी मम्मी पापा के एड्रेस से निर्गत होना चाहिए।
आगे बात कर रहे हैं कि जो EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है जो जनरल कैटेगरी के हैं उनका कहा गया है कि बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26 फरवरी 2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर मान लीजिए कि आपने EWS बनवाया हुआ है और जो आपने आय प्रमाण पत्र बनवाए हुए हैं वो 2223 के यानी आय प्रमाण पत्र के आधार पर ही होनी चाहिए और इस जो आपने अपलोड किया है फॉर्म भरते समय वो ओरिजिनल प्रति आपको वहाँ पे ले जानी होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि जो मैंने अपलोड कुछ कर दिया और अब यहाँ पे कुछ लेके जाऊँगा वहाँ पे इस तरह की बातें नहीं होगी, इसलिए जो भी आपने अपलोड किया है आपको वही लेके जानी है। आगे हम बात करें कि दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र दावा की स्थिति में। अब दिव्यांगता के श्रेणी में जो BPSC का एक अलग से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला है जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर आप विकलांगता का दावा कर रहे हैं, विकलांगता का आप आरक्षण लेना चाहते हैं, तो अगर आपने विकलांगता संबंधित प्रमाण पत्र अगर आपने जिला अस्पताल है वहाँ से बनवा के दिया है तो आपका जो मेडिकल होगा, मेडिकल आपको जिला हॉस्पिटल में होगा और जिला हॉस्पिटल में अगर आपको रेफ़र कर दिया जाता है वहाँ पे आपकी जो क्या कहते हैं विकलांगता को वहाँ पे नहीं मानते हैं तो फिर आपको IGMS या पटना मेडिकल कॉलेज यानी PMCH में आपको वहाँ पे जा करके अपना मेडिकल करवानी होगी, जिसका जिससे संबंधित वीडियो मैं अलग से एक पोस्ट करूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। हम आगे और बात कर रहे हैं कि इसमें दिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 10/6/6/8 दिनांक 29/6/22 के अनुसार बेंचमार्क यानी PWBD अभ्यर्थी को श्रुति लेखक अन्य सुविधा का दावा करने की स्थिति में उपरोक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची एक में सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित बी में शपथ पत्र। अगर आपने अगर विकलांगता के श्रेणी में आपने फॉर्म भरा है और आपने जो क्या कहते हैं श्रुति लेखक को अगर रखने के लिए आपने अप्लाई किया हुआ था तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र और शपथ पत्र भी आपको वहाँ पे दिखानी होगी। आगे हम बात करें तो भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र भी आपको दिखानी होगी। आगे हम बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला प्राधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में आपको वहाँ पे जमा करानी होगी। आगे हम बात करें तो केंद्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो तो परीक्षा में भाग लेने हेतु जो आपको NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपने अगर अपने विभाग से बनवा करके वहाँ पे अपलोड किया है वो ओरिजिनल कॉपी आपको वहाँ पे देनी होगी। आगे हम बात करें तो देख सकते हैं कि फोटोयुक्त पहचान पत्र आधार कार्ड वो आपको ओरिजिनल वहाँ पे जमा करानी होगी। उस पर हाल का खींचा हुआ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको देनी होगी। उस पर लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति भी आपको ओरिजिनल कॉपी वहाँ पे देनी होगी और उसके बाद लिखित परीक्षा के लिए निर्गत ई एडमिट कार्ड की प्रति भी आपको वहाँ पे ओरिजिनल देनी होगी। आज की बस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला वीडियो जो मेरा आने वाला है वो विकलांगता को लेकर के आने वाला है कि विभाग के द्वारा यानी BPSC के द्वारा एक अलग से विकलांग कैंडिडेट के लिए कौन सी नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसको लेकर के मैं आगे की वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, इसलिए मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद।